नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। रविवार को भारतीय जनता पार्टी मंडल बेगाबाद कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष शिव पूजन राम की अध्यक्षता में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बेगाबाद के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य बतौर अतिथि गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पोद्दार, प्रोफेसर अर्जुन कुमार वर्मा, राम रतन राम और सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल मौजूद थे। इस मौके पर गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने कहा कि वर्तमान में झारखंड की जनता भगवान के भरोसे जी रहे हैं। आए दिन हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूटपाट, नक्सली घटनाएं आम हो गई हैं। यहां तक कि लोग घर से बाहर निकलते हैं पर वह वापस लौटेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता वास्तव में भगवान के भरोसे जी रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारी भ्रष्टाचार को अधिकार समझ लिया है। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों की चिंता नहीं है, धान क्रय केंद्र में बिचौलिए हावी हैं। गलत व्यवस्था के कारण किसान कम कीमत पर धान बेचने को विवश है। किसान धान बेच लेते हैं, इसके बाद सरकार पैक्स के माध्यम से धान खरीदने का निर्णय लेती है। कई किसानों को विगत साल बेचे गए धान का मूल्य अभी तक नहीं मिला है। इस दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। वर्तमान में झारखंड सरकार के कार्यप्रणाली पर विशेष चर्चा की गई। कहा कि झारखंड की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। आज पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस मौके पर राम रतन राम, सुरेंद्र लाल, सुधीर दर्व शर्मा, दशरथ सिंह, कैलाश नरसिंह हाजरा, शंकर तिवारी, संतोष पोद्दार, मीत नारायण शर्मा, प्रसादी मंडल, अरुण गुप्ता, सुनील गुप्ता सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। ठीक हो आज भारतीय जनता पार्टी बेगाबाद मंडल के अध्यक्षों की बैठक है और आज बूथ कमेटी की बैठक है। बूथ कमेटी हम लोग निर्माण करेंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे, इसके लिए आज बैठक है। अभी श्री पूजन जी भी ने सारी बात बतलाया और हमारे जिला के अध्यक्ष किसान मोर्चा के हमारे प्रदीप दिलीप वर्मा जी ने भी सारी बातों को आप लोगों के बीच बतलाया, आप लोग जो होंगे सुने होंगे। आज हम लोग जा कर के हर गांव में, हर बूथ में जा कर के बूथ को कमेटी का निर्माण करना है, इसी दृष्टिकोण से आज हमारे यहाँ बैठक है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, जैसे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और पार्टी से अलग है, तो अलग यही है। दूसरा पार्टी एक जगह आए और तुरंत अभी आए और तुरंत बैठ करके पता चलेगा कि आपका माने यहाँ पर 68 बूथ है ना, 68 बूथ का बन गया है एक दिन में। हम लोगों के यहाँ ऐसी बात नहीं है, वहाँ बैठ करके हम लोग नहीं बनाते। हम लोग जो व्यक्ति बूथ कमेटी बनेंगे उनके यहाँ जा करके बैठ करके उनसे राय परामर्श कर करके और हम लोग उसका बैठक करते हैं और हम लोग उसका बनाते हैं। इसीलिए हम लोग को आज बूथ कमेटी का बैठक किए हैं, बूथ कमेटी निर्माण करने के लिए। इसमें यहाँ मंडल के अध्यक्ष हैं, वो सारे मंडल के अध्यक्ष आए हैं और मंडल के अध्यक्ष। साथ ही साथ हम लोग इस मामले पर भी आए हैं तो तय करेंगे कि हम लोगों को पूरे जन मुद्दों को लेकर के जन आंदोलन करने की मनसा हम लोग सभी लोगों की, क्योंकि ये सरकार फेल हो गई है। ये सरकार ने जितना वादा किया वादा एक भी नहीं किया, बल्कि लोगों को इस सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में लोगों को जीना दुभर हो गया। अभी आप देखें एमसीसी का जो बंदी था धड़ल्ले से साथ में खुलेआम लोग कर रहे हैं और प्रशासन कुछ है, प्रशासन जैसे नपुंसक बन जाए, माने कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के सामने प्रशासन बौना सिद्ध हो रहा है और इसीलिए सिद्ध हो रहा है कि जो सरकार है सो सरकार कहीं न कहीं ऐसे आतंकवादी का और ऐसे जो क्राइम कर रहा है
जो प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, प्रतिदिन लूट हो रही है, लोगों को जीना दुभर हो गया है। लोग घर से निकलता है तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, उसके गार्जियन उससे परेशान रहते हैं कि हमारा बेटा गया है तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये परेशानी हो गया। विकास का छोड़ दीजिए, विकास का क्या करेंगे? विकास तो जितना रघुवर सरकार ने जो किया था वो सारा बंद हो गया। विकास की बात तो अब नहीं चिंता है, लोगों को चिंता हो गया है कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, हमारा सर सामान जिंदा रहेगा कि नहीं, हमारा घर जिंदा रहेगा कि नहीं, हमारा बेटा जो है सो परिवार के लोग जिंदा रहेंगे नहीं, ये परिस्थिति हो गया है। हम लोग इस सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग भी मन बना रहे हैं कि जन आंदोलन करेंगे, जनता के हित के लिए। जो जनता परेशान परेशान है, प्रतिदिन भ्रष्टाचार आप देख लीजिए ब्लॉक में खुलेआम हो रहा है, कहीं कोई धड़ल्ले साथ हो रहा है, कहीं कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। अब तो अफसर लोग इस बात को कहने में नहीं चेकते हैं कि क्या करें, हम पैसा दे करके आए हैं तो हमको तो पैसा फिर देना पड़ता है तो हम करेंगे, ऐसा धड़ल्ले के साथ ये अफसर लोग माने बयान दे रहे हैं। इसलिए इस सरकार में कोई उम्मीद करना गलत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता से जन जन से जुड़ाव है, इसलिए इस मामले को लेकर के आंदोलन करेगा। यदि एक एक बात को कहें तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने इतना बात क्या कहें, खाली इस बात को कहेंगे कि सरकार से जनता परेशान है। गंगाबाद मंडल का समिति की बैठक और जिसमें गंगाबाद मंडल के सभी प्रभारी उपस्थित हैं। यह मंडल का समिति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक 3 महीनों में एक बार होनी है। यह अलग बात है कि कोरोना काल के कारण पूर्व बैठक नहीं हो पाई और यह बैठक या निर्णय कि हम विगत 3 महीनों में दे रहे हैं, थोड़ा सा शांति बना के हमने क्या किया और आगे वाला 3 महीने में हमें क्या करना है। तो आगे का विगत तो हम लोग आप सबों ने देखा था कि बहुत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के ब्लॉक में धरना, जिला में धरना, ये सब आंदोलन सब तो कर ही रही है। संगठन के दृष्टिकोण से आज कार्यकर्ता को सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही मिली है कि अपने अपने बूथों का, पूरे मंडल में 68 बूथ हैं, उन सभी 68 बूथों का गठन हो जाए और जिसका कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा यह निर्णय आया है कि 5 तारीख तक सभी बूथों का गठन हो जाए। अब यहाँ तक मैं बात करूँ झारखंड सरकार की, तो आप सब देख रहे हैं, हमें बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, सरकार थी, तो यह माओवादी, आतंकवादी, MCC लोग कहाँ रहते थे किसी को पता नहीं चलता था। अब पूरे राज्य की बात छोड़ दें, आप सभी फिर अनुभव करने लगे कि गिरिडीह फिर टापू बन गया। रात में 8 बजे के बाद आप रांची के रास्ते में नहीं जा सकते, आप धनबाद नहीं जा सकते, आप देवघर नहीं जा सकते। ये परिस्थिति पुनः लागू झारखंड की हुई है, अपने जिले की हुई है। नीतिगत बातों पर हम बात करें तो आप सभी देख रहे होंगे कि यह युवाओं को जो ठगने का काम इन्होंने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। तो लगातार यह सरकार यह घोषणा करके सत्ता में आई थी कि यहाँ के युवाओं को जब तक हम रोजगार नहीं देंगे तो रोजगार बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक किसी को नहीं मिला। इतना छोड़ दीजिए, आप सभी जानते हैं पंचायत सेवक की बहाली हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पूरा कर चुका था, मैंने इंटरव्यू तक हो गई थी, केवल नियुक्ति पत्र देना बाकी था। तो पंचायत सचिव कौन बनते? आपके गांव के बेटा बनते। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ये सारी प्रक्रिया को रद्द करके पुनः वो एग्जाम लेने की प्रक्रिया में आ गए। जब जिसका इंटरव्यू हो गया, एग्जाम हो गया, केवल नियुक्ति पत्र देना था, तो किन परिस्थितियों में अपने गांव के उन नौजवानों के साथ ये छलने का काम? आज किसानों की बात हम करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए हमेशा खड़ी रहती है,
आप सबको याद होगा पिछले जून के महीने में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता नेता किसानों के खेत और खलिहान में जब खड़े हुए आंदोलन करने लगे तो यह सरकार झुकी और किसानों का जो बकाया राशि था जो पैक्स में के माध्यम से धान खरीद हुई थी उसका भुगतान किया गया। आज स्थिति यह है कि जब धान बेचने का सीजन खत्म हो गया तो उन्होंने पैक्स के में धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और जब अवलोकन करके हम लोग आए, हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता जब धान क्रय केंद्रों पर गए तो वहां की स्थिति देख करके एकदम स्पष्ट हो रहा है कि अब किसान धान नहीं दे रहा है, अब बिचौलिए धान पैक्स में दे रहे हैं। उसके बाद भी जो सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया उसे पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का कारण है कि यह सरकार धान क्रय में इतना जटिलता कायम कर दिया है कि अब किसान पहले धान लेकर के धान क्रय केंद्रों पर जाएंगे या अंचल अधिकारी के पास जाएंगे या कर्मचारी के पास जाएंगे, ये निर्धारित नहीं होता है। इस तरह से यह लूट खसोट पूरे राज्य में चल रही है और हमारा संगठन मजबूत है और हम लोग लगातार मजबूती को बढ़ाते हुए आने वाला दिन लगातार इस सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा झारखंड की जनता के लिए मुखर रहेगी। धन्यवाद। आज बेंगाबाद भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति की बैठक हो रही है और इसी कार्यक्रम के बीच आप लोगों के बीच में कुछ हम बोलना चाह रहे हैं। यह कि हम लोग जब यह कार्यक्रम को शुरुआत किए तो हम लोग नारा दिए, एक ही नाम, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग सोचते होंगे, समझते होंगे कि जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्यों देता है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जय श्री राम का नारा इसलिए देते हैं कि राम राज्य की परिकल्पना हम लोग करते हैं। राम राज्य में सभी उनके जो हमारे आराध्य देव राम थे उनका जो क्रियाकलाप था, जिस तरह से वो अपना राज को चलाते थे, सभी जनता के लिए विचार एक समान दृष्टि रखते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता हमारे देश के सभी वासियों के लिए एक समान एक विचार रखती है और इसी परिकल्पना के तौर पर हम लोग संगठन को चलाते हैं और संगठन से हम लोग उसी रूपरेखा में सरकार को भी चलाते हैं और संगठन से एक एक कार्यकर्ता उभर करके जो हमारा जाता वो सरकार में आता। या मेरा कोई परिवारवाद और व्यक्तिवाद की और जातिवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, समाजवाद की पार्टी है और भारत की जनता की आत्माओं की पार्टी है और यह देश की आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, भारत माता के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए यह पार्टी खड़ी हुई है। इस पार्टी का हम एक कार्यकर्ता हैं, इसके लिए हमें सब गौरवान्वित होते हैं और होते रहे हैं और होते रहेंगे और इसके लिए हम लोग को संगठन का विस्तार करने के लिए हम लोग सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसी संगठन की मजबूती के लिए आज कार्य समिति की बैठक हुई है, बूथ कमेटी पर हम लोग जा रहे हैं और पूरे क्षेत्र में, पूरे हम विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मजबूत बूथ स्तर पर हम कार्यकर्ताओं को करेंगे, खड़ा करेंगे और जो भी हमारी विपक्षी आज सरकार हेमंत सरकार है उसके विषय में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता चुके हैं कि सिर्फ उन लोग का कथनी और करनी में आसमान और जमीन का फर्क है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो कहती है वो करती है और देश के हित में, समाज के हित में काम करती है। इसलिए इस पार्टी के लिए हम लोग सब कुछ हर कुछ करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हैं, देश के लिए हम लोग समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय झारखंड। मंडल कार्य समिति की बैठक है और संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न बूथों पर 20 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए हम लोग आज पर विचार कर रहे हैं और उसी पर चर्चा हो रही है। सभी बूथों पर हमारे बेंगाबाद मंडल में 68 बूथ है और उसमें 20-20 एक बूथ पर 20 मेंबर का कमेटी बनाना है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी विभिन्न समस्याओं के बारे में हमारे नेताओं ने आपको बताया
और जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, संगठन तो मजबूत है ही, लेकिन हम आंदोलन के पार्टी हैं, हमारा पार्टी आंदोलन बराबर करता आया है और जन मुद्दों से बराबर समस्याओं से लड़ते आए हैं और फिर लड़ेंगे, कोई भी समस्या नहीं रहेगी और सरकार यहाँ पर नहीं रहेगी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार समय के पहले जाएगी, हमारा संगठन मजबूत होगा और हम अभी 20-20 का समिति हमारा बनकर ये 10 फरवरी तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा मेगावाद मंडल समिति का। हम यहाँ के प्रभारी हैं, मेगावाद मंडल के प्रभारी हैं, जिला के द्वारा हमें प्रभारी भी बनाया गया है और हम लोग इसी पर लगे हुए हैं, इतने विचार कर रहे हैं, कोई भाषण वाषण का अभी कुछ नहीं चल रहा है, पूरा काम काजी बैठक है ये और इसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। आज पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत मंडल कार्य समिति की बेंगाबाद बैठक हुई। किसी भी स्वस्थ संगठन के लिए सबसे पहले प्रखंड, प्रखंड के बाद पंचायत और पंचायत के बाद बूथ, बूथ स्तर तक जो संगठन जाती है वही वास्तविक संगठन कहलाता है। इसी क्रम में आज बेंगाबाद प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी बूथ कमेटी निर्माण के लिए बैठक की। इस क्रम में प्रत्येक 12 पंचायत के अंतर्गत 12 को प्रभारी नियुक्त की गई, 12 प्रभारी को यह दायित्व दिया गया कि 5 तारीख तक सभी बूथ कमेटी का निर्माण करके मंडल कार्यालय में सुपुर्द करें। इसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मण सोनकार जी उपस्थित हुए, अपने किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप वर्मा जी, जयप्रकाश मंडल जी, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी, राजेश पोदार जी, रामरतन राम जी, सभी लोग उपस्थित हुए। सभी ने एक स्वर में 5 तारीख तक बूथ कमेटी निर्माण की बात कही है। 5 तारीख तक बूथ कमेटी का जब निर्माण हो जाएगी तो फिर हम लोग आगे कार्यक्रम तय करेंगे। okay.